नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आया है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी। शुरुआत करेंगे यहाँ पे सबसे पहले मसालों से। तो मसालों में हम देख रहे हैं कि धनिया का अप्रैल वैधता 10,810 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, करेक्शन देखने को मिल रही है। और जीरा देख रहे हैं, जीरे का मार्च वायदा 22,000 से लुढ़का है, 21,650 पर ट्रेड कर रहा है करेक्शन के साथ। और जो हल्दी का अप्रैल वायदा 10,000 से नीचे लुढ़का है, 9,900 के लेवल्स पर है। रूपा जी देख रहे हैं कि तीनों ही मसाले अपने सपोर्ट लेवल से लुढ़क चुके हैं। रूपा जी आपको क्या लगता है, क्या मसालों में अच्छी तेजी के लिए यहाँ से एक हेल्दी करेक्शन इम्पोर्टेंट है? देखिए, थोड़ा बहुत करेक्शन मार्केट में बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मसालों का पॉजिटिव है। लगातार तेजी के बाद जो ये करेक्शन है, ये नीचे में मुझे लगता है हार्डली आज का दिन और हो सकता है कि गिरावट वाला रहे, लेकिन वापिस से इसमें सस्टेनेबिलिटी आती हुई दिखाई दे सकती है। जीरा 21,000 का लेवल है, उसको होल्ड करे, अगर होल्ड पे रहता है 21,000 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि 22,500-23,000 तक सस्टेन होगा मार्केट आगे चलकर। और वहीं हल्दी की बात करें तो हल्दी थोड़ा सा करेक्शन में, नीचे में इसका जो सपोर्ट है वो 9,800 के आसपास है और ऊपर में 10,500 10,800 की मैक्सिमम अपसाइड है। वहीं अगर जीरे की धनिया की बात करें तो धनिया में भी तेजी का ही रुझान है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट फिलहाल है नहीं, हल्की फुल्की करेक्शन जरूर आ सकती है, लेकिन इस करेक्शन में भी बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, यहीं से बात करें अगर आप कैसे सीड की, तो देख रहे हैं कैसे सीड का मार्च वायदा 6,988 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी देख रहे हैं कि 7,100 के बाद अब जो कैसे सीड है 6,900 पर देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग बनती नजर आई है, आपको क्या लगता है, क्या अभी कुछ दिनों तक कैस्टर में एक रेंज बाउंड देखने को मिल सकती है? देखिए, कैस्टर नीचे में एक बार अगर यहाँ से लुढ़कता है तो 6,920 के नीचे सस्टेन करता है तो 6,800 तक नीचे जा सकता है, क्योंकि इसकी जो तेजी थी वो आ चुकी, अब बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं है। देखिए, अगर 7,000 के ऊपर सस्टेन रहता तो आगे में आप टारगेट 7,200 से 7,500 देख सकते थे, लेकिन सस्टेन नहीं होता दिखाई दे रहा, मुझे लगता है कि नीचे में अभी फिलहाल 7,800 तक लुढ़क सकता है। जी, यहीं से रूपा जी बात करें अगर आप बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं अभी भी रेंज बाउंड है 3,000 से लेकर 3,400 तक। रूपा जी देख रहे हैं कि 3,400 का लेवल एक बार टच करने के बाद बिनौला खल फिर से उस लेवल को टच नहीं कर पा रहा है, आपको क्या लगता है 3,400 के लेवल के ऊपर की जो कीमतें हैं कब तक एक्सपेक्टेड है बिनौला खल के अंदर? देखिए अखिलेश, अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब यहाँ से तेजी जो है वो ब्रेक लग चुकी है, चाहे वो बिनौला खल हो या फिर कोटन, तो मुझे यहाँ से बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी नहीं लग रही है। अगर बड़ा भी मार्केट तो ज्यादा 3,250-3,300 मैक्सिमम अपसाइड हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए डाउनसाइड दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से एक बार हो सकता है आपको नीचे में 3,160 से 3,140 के आसपास देखने को मिले और ऊपर में 3,240 से 3,260 फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा भी तेजी पर ब्रेक लगती फिलहाल दिखाई दे रही है। जी रूपा जी बात करें अगर MCX कॉटन की, तो MCX कॉटन में भी देख रहे हैं कि बिनौला खल की तरह ही ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग बनी है, ऐसे में आपको क्या लगता है MCX कॉटन में अगर कीमतें नीचे में जाती है तो कहां तक जा सकती है और क्या फिर से जो लेवल्स हमने अब देखे हैं क्या फिर से अच्छे लेवल्स भी देखने को मिल पाएंगे निचले स्तरों से? देखिए, कॉटन में अगर यहाँ से लुढ़कता है मार्केट तो एक बार 36,000 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वायदा में बाजार लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी बात करें अब ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम में देख रहे हैं कि मार्च वायदा 11,500 पर है और ग्वार सीड मार्च वायदा 6,100 पर। रूपा जी देख रहे हैं कि अभी भी ग्वार गम ग्वार सीड में रेंज देखने को मिल रही है, एक कि निचले स्तर से खरीदारी फिर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली देख रहे हैं, ऐसे ही रेंज काफी समय से ग्वार गम ग्वार सीड में बंदी नजर आ रही है, ऐसे में आपको क्या लगता है ग्वार गम और ग्वार सीड में आज इंट्राडे में कैसा माहौल रहने वाला है, क्या लेवल से रहने वाले हैं? देखिए, आज इंट्राडे की बात करें तो ग्वार गम जो है नीचे में मुझे लगता है कि बाउंस बैक आ सकता है, आज खरीदारी में जा सकता है मार्केट, 11,600 से लेकर ऊपर की जो रेंज है वो 12,000 तक बनती हुई दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि आज ग्वार में निचले स्तरों पर खरीदारी लौट सकती है।
वहीं सीट की बात करें तो सीट में भी मुझे लगता है 6120 मैक्सिमम डाउनसाइड है और ऊपर में 6240 से 6260 तक की तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेंड तो पॉजिटिव है, हल्की फुल्की करेक्शन बन सकती है, उसके बाद वापस से खरीदारी आती हुई देखने को मिल सकती है। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने 7100 का लेवल टच होते हुए देख लिया है। यूएस सोयाबीन देख रहे हैं लगातार तेज ही है, 1624 डॉलर के आसपास आज ट्रेड करता नजर आ चुका है। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, चाइना भी लगातार खरीदारी कर रहा है, भारत की हाजिर मंडियों में भी जो सोयाबीन की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो भी काफी कम है, तो क्या एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन 8000 का भी लेवल टच कर ले? देखिए फिलहाल 8000 का तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ऊपर में जो सस्टेनेबिलिटी है 7000 के ऊपर अगर आती है तो ऊपर में 7200 से 7500 हो सकता है कि मैक्सिमम अपसाइड बनता हुआ दिखाई दे, लेकिन बहुत ज्यादा अभी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से तेजी रुकी हुई है यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि फिलहाल देखा जाए तो सरों से आप मान के चलिए कि 200 से 500 पॉइंट मैक्सिमम अपसाइड देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, टॉपिक्स के देना चाहेंगी आज आप एग्री कमोडिटीज के अंदर जिनमें अच्छा मुनाफा कमाकर चला जा सकता है? देखिए अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि एग्री कमोडिटीज के अंदर आज तो फिलहाल फर्स्ट हाफ के अंदर करेक्शन ही देखने को मिलेगी, सभी कमोडिटीज ऊपरी स्तरों पर बिकवाली दिखाती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं निचले स्तरों पर खरीदारी के लिए आप मसालों में बेट कर सकते हैं, मसालों में गिरावट के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, कुछ दर्शक जुड़े हुए हैं हमारे साथ जिनका सवाल लगातार शुगर को लेकर आ रहा है, ये शुगर के बारे में जानना चाह रहे हैं। रूपा जी देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी तक शुगर का जो एक्सपोर्ट है पिछले साल के मुकाबले लगभग 3 गुना बढ़ चुका है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है, क्या शुगर प्राइसेस यहाँ से अब आगे फर्दर इंक्रीज ही होने वाले हैं? देखिए अभी शुगर में थोड़ा बहुत अपसाइड बन सकता है क्योंकि अभी आगे चलकर जो है त्योहारों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत डिमांड जो है वो पिकअप हो सकता है जिसकी वजह से प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं, गिरावट नहीं है लेकिन हाँ छुटमुट खरीदारी बन सकती है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात कर यहाँ से अगर एडिबल ऑयल्स की, तो एडिबल ऑयल्स को लेकर भी काफी दर्शकों के सवाल हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ में क्या अभी खरीदारी कर लेनी चाहिए? देखिए की जा सकती है खरीदारी क्योंकि ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, तो पॉजिटिव लग रहा है, मार्केट के ऊपर जा सकता है, तो छुटपुट खरीदारी करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, दर्शक हैं सोनू जी जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है, जानना चाह रहे हैं चने में अभी क्या लग रहा है, क्या चने के प्राइसेस आके बढ़ेंगे या घटेंगे? देखिए चने में फिलहाल तेजी का रुझान नहीं है, मुझे लगता है कि चने में प्राइसेस जो है यही सस्टेन रहेंगे, अभी चने में उठाव आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।